सीख कबाब कढ़ाई, और ये साथ में जो है ना ये बीफ टिक्का अंडे वाले पकौड़े, हाँ ये चिकन कलेजी साथ में। मेरे लिए नई चीज़ है लवाश। लवाश 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 है क्या ये देखें, इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे दोस्तों की एक दावत है तो उसमें भी हमने जाना है। मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो अभी जल्दी निकलते हैं, बाकी उधर गपशप लगाते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, एक तो अभी हम उधर से घर से थोड़े से लेट हो गए, अभी यहाँ पर जो है ना ये रश में फंसे हुए आ गए हैं घंटाघर। जी घंटाघर तो हम पहुँच गए हैं, अभी रश इतना है कि पैदल जाना भी जो है ना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा था मून लाइट बेकरी के साथ गली में, मूनलाइट बेकरी, हाँ मिल गई वो है। गली में जो है जो मेरे दोस्तों का फेवरेट है अलजान वली टिक्का शॉप, तो बीफ टिक्का वो बनाते हैं और अक्सर ये प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन मैं उसमें अवेलेबल नहीं होता। और अभी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और टेलीफोन में हमारे बॉस आए हैं कराची से, तो उनके लिए दावत है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे बॉस एक्स बॉस तनवीर साहब, और ये हमारे जो है ना जो फूड मैनेजर हैं शेर साहब। ये जान वाली टिक्का शॉप जो है ना हम पहुँच गए हैं। जजाकल्ला जी, डेरा मनना देर मेहरबानी। ये भाई जो है ना यहाँ पर ये सीख बना रहे हैं। यहाँ पर इनके सामने ये पकौड़ा शॉप है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त है ना नीमको, और ये साथ में जो है ना समोसे और पकौड़े, और ये मेरे ख्याल अंडे वाले पकौड़े। दाचर वो कलेजी रखा ना, हाँ ये चिकन कलेजी। ये भी जो है ना सीख कढ़ाई, सीख कबाब कढ़ाई, और ये साथ में जो है ना ये बीफ टिक्का। रोटी में इसके साथ है ना ये शेब भाई ने एक नई चीज़, वो मेरे लिए नई चीज़ है लवाश। लवाश 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 है क्या वो? बड़ी रोटी होती है, थोड़ी सी रोटी आटे को खींच के बनाया जाता है। अच्छा, थोड़ी लंबी बनती है, थोड़ी सी सख्त होती है लेकिन बड़ी मज़े की होती है। ये जो है ना बीफ टिक्का साथ बन रहा है और साथ में बीफ टिक्का कढ़ाई। ओए होए होए, ये हरी मिर्च, मसाले, ना मसाले से स्पेशल मसाले ही कसेंगा, और ये साथ में घी। ये इनकी अलग से जो है ना यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर हमारे बाकी दोस्त बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सिंह जी, ठीक था? अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब। तो ये जो है ना, तो ये जो है ना मतलब छोटी सी इनकी बैठने की जगह है। ये हमारा पुराना एक क्राइम पार्टनर, आपने मेरी दूसरी एक वीडियो, बल्कि टिक्को की वीडियो ही थी, खान टिक्का, तो उसमें मेरे साथ था। छोटी सी जगह लेकिन काफ़ी अच्छे है, मतलब पंखे वगैरह भी लगे हुए हैं और काफ़ी मज़े की जगह साइड पे है। और ये हमारे जो है ना चेयरमैन, सॉरी शफकत साहब हैं। ये हमारे सिद्धार्थ साहब की वजह से आज का प्रोग्राम हमारा कम से कम एक घंटा लेट डिले हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, सिद्धार्थ नहीं होता इसके, हम पंचकूट मैं ताबेदार ताबेदार ही नहीं हमेशा की तरह, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा आपको। ये हमारे एक्स बॉस हैं माशाल्लाह से तनवीर साहब, और ये कराची से हैं, और इन्हीं की बरकत से जो है ना हम सारे आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसलिए कि ये ना आते तो हम, तो मेरे ख्याल हमने क्या प्रोग्राम करना था। तो ये हाँ, तो ये और बाकी मैनेजर हमारे माशाल्लाह से ये शुएब भाई, फाइनेंस क्या फूड मैनेजर सारा कुछ ही है। हमारा जो है ना ऑर्डर पहुँच गया है माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टिक्के हैं और ये लवाश नहीं आया यार, हाँ लवाश यार, ये लवाश तो बहुत छोटा नहीं है, पतली पतली रोटियाँ, मैं समझा कोई और चीज़ होगी। हाँ तो ये हमारा जो है ना आ गया है, और ये साथ में इसकी चटनी ना अदा लवाश थे ना देख। अच्छा ये लवाश नहीं है, ये आम सादी रोटियाँ हैं, और ये साथ में जो है ना आ गए कुलचे, और ये साथ में जो है ना ये आ गए टिक्के, ये साथ में चटनी। अब ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा मैं करूँगा तो ये मुझे सारा खा जाएंगे, तो इस वजह से जो है ना मैं
माशाल्लाह अब देखते हैं इसका तरीका, वही सिंगल हैंडेडली काम कर रहा हूँ तो ज़रूरी बात है। काफ़ी स्पाइसी है लेकिन मज़ा है, मतलब वो आम तिक्के जो की तरह आप हमारी बात तरीके नहीं दो नहीं टेस्टी है। असल में आम जो तिक्के मिलते हैं उसमें जो है ना अक्सर वो मतलब वो चिंगम की तरह वो तिक्का बन जाता है, इसमें ये चीज़ नहीं है तो ये काफ़ी अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शफकत साहब ने बॉडी निकाली, चटनी में डिबोई और ये गया। माशाल्लाह ये चीज़ ये हमारा बाकी ऑर्डर आ गया, ये कढ़ाई में ये जी कढ़ाई आ गई ठीक है। इसमें कीमे और नहीं सिर्फ गोश्त की कढ़ाई है, वही बोटी जो हमने खाई है ना कढ़ाई में, वो कढ़ाई में आ गई लेकिन ये लग रहा है जैसे कीमा है। ये देखिए कीमा इसमें नहीं है लेकिन इसका दूर से लग रहा है जैसे इसमें कीमा है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। सर कैसी बनी है यार ये ज़बरदस्त, बाकी इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ये देखिए टिक्के अपनी जगह, इसका टेस्ट टिक्को सुपर है, जो स्विंग में टिक्के थे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लेकिन कढ़ाई में जो इन्होंने बनाए ये तो वो चूँकि कोयले में बनाए तो कोयले की जो है ना उसमें मतलब एक टेस्ट थोड़ी सी आ जाती है। दूसरी बात ये टमाटर और इनका जो अपने मसाले तो उससे जो है ना वो टेस्ट कुछ बहुत ही आउट क्लास किस्म का टेस्ट जो है ना वो आ जाता है, वो भी नेचुरल ही सकाफती जो उसका रंग जो है ना उसमें नज़र आता है, इस पर बनावट यहाँ टेबल जिस लगा सकते हैं लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। ये भी जो बाकी जो स्ट्रीट फूड है वो स्ट्रीट फूड के मुताबिक ही है, मतलब स्ट्रीट तो नहीं है लेकिन मतलब वही तड़े पैर में बैठे हैं ज़मीन पर बैठे हैं तो, लेकिन उसका टेस्ट है ना आउट क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है ना मतलब एक खाना था और तिक्के खासकर, और ये बरकत हैं तनवीर साहब के जिसकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो थैंक यू सर बहुत शुक्रिया। खाना हमने खा लिया है यहाँ से, अभी हम देखते हैं कि मतलब ये कि आगे जो है ना कहाँ का प्रोग्राम है। तो अभी शुएब भाई ने फैसला किया है कि बल्कि इसके प्लानर तो बेसिकली यही हैं, तो इन्होंने कहा कि मतलब ये कि अभी फालूदा खाना है और फालूदा खाना है यादगारी कुल्फा, तो यादगारी कुल्फा जो है ना पहले उस पर मेरी एक वीडियो भी बन चुकी है तो अभी दोबारा जाते हैं। तो हम ये यादगारी कुल्फा पहुँच गए हैं, ये जो है ना अभी गर्मी में इनका सीज़न चूँकि शुरू है तो माशाल्लाह काफ़ी रश भी है। ये पहले इसमें कुल्फ़ी डाली फिर उसके बाद जो है ना सेवैयाँ शरबत ये डालते हैं, ये हमारा वाग्या है। क्यों शोएब भाई बहुत ज़बरदस्त है, तो ये मतलब ये खाने के बाद मीठा है जो है ना मतलब यहाँ पर ये शोएब भाई ने हक पूरा कर दिया, खाने के बाद फालूदा ना खाएं तो फिर उसका जायका दुबाला नहीं होता आप देखा। माशाल्लाह जी फालूदा भी वो सजा सकते हैं मज़ा दुबाला हो जाता है। यह गलत गलत बातें कर रहा है।
इसमें असल जो मज़ा है ये कोहे वाली कुल्फ़ी जो है इसका है। इसलिए आप जैसे ही इसको खाएंगे तो इसमें जो है ना मतलब ये खोए का जो है ना मतलब आपको टेस्ट जो है ना वो फील होगा, जो सारा मज़ा या सारा पैसे हैं ये उसी के हैं। बिस्मिल्लाह बरकतुल्लाह। बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी इन्होंने डाला हुआ है, लेकिन इसका जो मज़ा है वो आउट क्लास है। वो आपको जो है ना मतलब बाकी बहुत सी बहुत कम जगहों पे मिलता है, इसलिए फालूदे तो आपको आजकल सीज़न में बड़े मिलते हैं, लेकिन यादगारी कुल्फे का टेस्ट है ये अलग ही है। हाँ जी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दावत ख़त्म हो गई और बहुत मज़ा आया। आपको भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मज़ा आया होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम।